जीआरसी इंस्पायर केमिस्ट्री टेक के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जीव अणु के अंतर्गत पुनः एक छोटे से महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा प्रश्न इस प्रकार से, अल्फा अमीनो अम्ल तथा प्रोटीन में अंतर बताओ, इस महत्वपूर्ण प्रश्न को जानेंगे। तो आइए जानते हैं अल्फा अमीनो अम्ल तथा प्रोटीन में अंतर। तो अल्फा अमीनो अम्ल जो होते हैं, अल्फा अमीनो अम्ल पॉलीपेप्टाइडों के एकलक होते हैं, अर्थात प्रोटीन की सरल एकलक इकाई अल्फा अमीनो अम्ल होते हैं। तो हम कह सकते हैं अल्फा अमीनो अम्ल पॉलीपेप्टाइडों के सरल एकलक होते हैं, जबकि जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन जटिल नाइट्रोजन युक्त यौगिक प्रोटीन कहलाते हैं। तो आइए इस अंतर को हम जानें। तो प्रथम अंतर इस प्रकार से, अल्फा अमीनो अम्ल पॉलीपेप्टाइडों के सरल एकलक होते हैं, जबकि प्रोटीन जो होते हैं जटिल नाइट्रोजन युक्त यौगिक प्रोटीन कहलाते हैं, अर्थात पॉलीपेप्टाइडों की जो जटिल श्रृंखला होती है वही प्रोटीन कहलाती है। तो प्रोटीन जटिल पॉलीपेप्टाइड होता है। तो पहला अंतर हमने जाना। दूसरा अंतर इस प्रकार से, दूसरा अंतर अमीनो अम्ल के संयोजन से, अर्थात सरल एकलक इकाई जो अमीनो अम्ल होते हैं, अमीनो अम्ल के संयोजन से डाइपेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड तथा प्रोटीन बनते हैं, जबकि यदि प्रोटीन का जल अपघटन किया जाए तो प्रोटीन के जल अपघटन से अमीनो अम्ल बनते हैं। पुनः जाने इस अंतर को, अमीनो अम्ल के संयोजन से डाइपेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड तथा प्रोटीन बनते हैं, जबकि प्रोटीन के जल अपघटन से अमीनो अम्ल बनते हैं। नेक्स्ट अंतर इस प्रकार से, अल्फा अमीनो अम्ल जो होते हैं रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं, जैसे ग्लाइसिन लाइसिन इत्यादि, जबकि प्रोटीन रंगहीन अक्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन केसिन इत्यादि। तो आज हमने इस छोटे से महत्वपूर्ण प्रश्न को जाना, अल्फा अमीनो अम्ल तथा प्रोटीन के मध्य अंतर। धन्यवाद।